बिग स्क्रीन में आपका स्वागत है। ये तो सभी जानते हैं कि गुजरे जमाने की एक्ट्रेस रेखा अपने लव अफेयर के लिए अभी भी जानी जाती हैं। इंडस्ट्री में उनका नाम कईयों के साथ जुड़ा, इन्हीं में से एक रहे विनोद मेहरा। विनोद अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सालों बाद उनकी पत्नी किरण मेहरा ने अपने पति और रेखा के अफेयर को लेकर कई सारे खुलासे एक इंटरव्यू के दौरान किए। एक इंटरव्यू के दौरान किरण से उनके पति की अन्य के साथ रिलेशनशिप को लेकर कई सारी बातें पूछी गईं। उन्होंने रेखा के सवाल पर जवाब देते हुए कहा, मेरे पति की जिंदगी में जो शख्स आखिरी वक्त तक था वो है रेखा। वो हमारी फैमिली मेंबर की तरह थी। वो एक बेहतरीन इंसान है और प्यारी है। हालांकि उन्होंने हमारी शादी अटेंड नहीं की थी, अगर मैं आज भी उनसे मिलती हूँ तो उन्हें कसकर गले लगाना चाहती हूँ। मैं उनकी माँ और उनकी बहनों के बारे में भी जानती हूँ। किरण मेहरा ने अपनी शादी को लेकर कहा, वो मुझसे 20 साल बड़े थे, मैं अपने घर में सबसे छोटी थी और विनोद से शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे पिता इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उन्होंने हमारी शादी ना हो इसके लिए सब कुछ किया। उन्होंने मुझे इस शादी से बचाने के लिए इंडिया से बाहर ले जाने तक का इंतजाम कर दिया, फ्लाइट के टिकट तक बुक करवा दिए थे। लेकिन कहते हैं ना कि जोड़ियां तो ऊपर वाला ही बनाता है, और ऐसा ही हुआ। हमने 1998 में शादी की थी। बता दें कि 1990 में विनोद मेहरा का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। पति ने खुद बताया था सब कुछ। इस बातचीत के दौरान उनसे पूछा गया विनोद मेहरा की जिंदगी में आई औरतों के बारे में, तो इस पर भी किरण ने कहा कि उन्होंने मेरे बिना पूछे ही अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। उन्होंने कहा कि वे सारे लोग उनके जीवन का हिस्सा थे, लेकिन वो अब मेरे साथ रहना चाहते हैं। इसके बाद मैंने उनसे कोई सवाल नहीं पूछा, मैं उनकी निजता का सम्मान करती हूँ। जब कोई अपने बारे में सब कुछ खुद ही बता रहा है तो क्यों उसकी तह में जाना है। सास ने दी थी गालियां। कहा जाता है कि रेखा ने विनोद मेहरा से शादी की थी, वे अपने ससुराल भी गई थी, लेकिन उनकी सास ने उन्हें मारने के लिए चप्पल निकाली थी और गालियां दी थी। रेखा ने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे। उनकी लाइफ पर राइटर यासीर उस्मान ने किताब लिखी जिसका नाम रेखा एन अनटोल्ड स्टोरी है। इस किताब में रेखा की लाइफ से जुड़े कई किस्से पढ़ने को मिलते हैं। रेखा के हवाले से किताब में लिखा है कि जब विनोद मेहरा से शादी करके वे उनके घर गई थी तो सास ने उन्हें घर के अंदर तक नहीं आने, सास ने उनका स्वागत चप्पल और गालियों से किया। ये सब देखकर रेखा बेहद दुखी हो गई थी और विनोद ने उन्हें अपने घर से जाने को कह दिया। किताब में विस्तार से लिखा है कि जब कोलकाता में शादी करने के बाद रेखा विनोद मेहरा के घर आई तो विनोद की मां कमला मेहरा ने गुस्से में आकर रेखा को मारने के लिए अपनी चप्पल निकाल दी थी। जैसे ही रेखा अपनी सास के पैर छूने झुकी थी तो सास ने उन्हें धक्का मारकर दूर हटा दिया। सो गाइस, क्या कहना है आपको रेखा के लिए, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहिए बिग स्क्रीन।